हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ हब आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स फोर्थ अक्टूबर के जिसमें पहली न्यूज़ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑन इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ वातावरण इनागरेटेड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम ऑन इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ वातावरण वॉज इनाग्रेटेड एट पर्यावरण भवन इन न्यू डेली द थीम वॉज वेट फॉर लाइफ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री फॉर्म जॉइंट वेंचर कंपनी तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने जॉइंट वेंचर साइन किया है नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इसराइल लीडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी हैव अनाउंस द स्टैब्लिशिंग ऑफ अ जॉइंट वेंचर कंपनी विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द नेम ऑफ बी ई एल आई ए आई एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ठीक है तो इन दोनों ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं जो इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री है वो डिफेंस और लीडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है ठीक है भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है तो इन दोनों का मिलाकर जो बन रहा है दैट इज़ बी ई एल आई ए आई एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द ज्वाइंट वेंचर विद इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन डेली शैल बी द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एक्सटेंडिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट सपोर्ट फॉर द मीडियम रेंज सर्फिस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेज तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनका ऑफिस जो रहेगा वो डेली में रहेगा ठीक है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका शॉर्ट फॉर्म हैर एस एम सिस्टम्स ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेस। एम आर एस सी एम सिस्टम इज़ एन एडवांस पाथ ब्रेकिंग एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ वैरायटी ऑफ एरियल थ्रेड्स तो ये काफ़ी एडवांस्ड है एडवांस सिस्टम है एयर और मिसाइल का डिफेंस सिस्टम है ये एरियल थ्रेट्स को काफ़ी वैरायटी ऑफ एरियल थ्रेट्स को प्रोटेक्ट uh, से प्रोटेक्ट करता है इट वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय आईएआई एंड डीआरडीओ फॉर इंडियाज डिफेंस फोर्सेस एंड इस करंटली यूज्ड बाय द इंडियन एयर फोर्स इंडियन आर्मी इंडियन नेवी एंड ऑल्सो इसराइल डिफेंस फोर्सेज इसको इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और डी ने मिल बनाया है और अभी ये इंडिया के तीनों फोर्सेज में यूज़ हो रहा है और इसराइल की फोर्सेज के लिए भी यूज़ हो रहा है BPCL and Mumbai Port Authority to launch India's first green fuels ecosystem. State run Bharat Petroleum Corporation Limited signed a memorandum of understanding with the Mumbai Port Authority and the Mumbai Port Sustainability Foundation to create a green fuel ecosystem in Mumbai Port. As part of this इनिशियेटिव बी पी सी एल एंड एम बी पी ए विल ज्वाइंटली सेटअप इलेक्ट्रिक वहीकल चार्जिंग स्टेशन इन द पोर्ट तो इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फ्यूल एको सिस्टम लॉन्च हुआ है मतलब लॉन्च हो रहा है BPCL पी सी एल और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने किया है इसे इसके लिए जॉइंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटी भी सेट करेंगे पोर्ट में Moving on to the next news that is Adani Group Google collaborate for clean energy in India. Adani Group and Glo uh, global technology giant Google have collaborated for clean energy in India which will help both meet this sustainability goal while adding more green energy to India's grid. Adani will provide clean energy to Google from its solar wind hybrid energy plant located at Kavda, which is the world's largest renewable energy park. तो अडानी ग्रुप ऑफ गूगल का कोलैबोरेशन हुआ है फॉर क्लीन एनर्जी और उसके लिए जो अडानी का वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है खाबड़ा में जो कि सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी प्लांट है एक्चुअली उससे वो क्लीन एनर्जी देंगे गूगल को ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट nasa and spacex launched a crew 9 mission. nasa and spacex launched the crew 9 mission from cape uh, canaveral space force station in florida, united states, with two passengers on board and two empty seats to bring back astronauts Sunita williams and butch wilmore, who have been stand, stranded on the international space station for months. the crew 9 was initially expected to launch, but was postponed due to poor weather conditions due to hurricanes helene, करंटली impacting द गल्फ कोस्ट ऑफ़ फ्लोरिडा Williams and विलमोर ट्रेवल टू द आई एस एस ऑन एंड एट डेट सुजॉन ऑन द फैकल्टी बोइंग स्टार लाइनर ओके तो यहाँ पे हम बात करें तो ना पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ नासा स्पेस एक्स नए अपना क्रियो नाइन मिशन लॉन्च कर रहा है ये मिशन इसी लॉन्च मतलब मेन पॉइंट तो सिम सुनीता विलियमस बच विलमोर को भी वापस लाने का है तो इसलिए दो स्पेस दो सीट पैसेंजर इसमें रहेंगी दो बोट करेंगे पैसेंजर्स और दो सीट सैमपटी रहेंगी क्योंकि ये क्री नाइन मिशन पहले ही हो रहा था लेकिन ड्यू टू वेदर कंडीशंस और हरिकन्स जो था जिसने फ्लोरिडा के गोल्फ को हिट किया हुआ था तो इस वजह से इसको पोस्टपोन करना पड़ा और अब ये हो रहा है तो आ, सुनीता विलियम्स और बच विलमोर जो हैं वो आई गए थे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर Uh, so Starliner, Starliner, तो एट डे के उसमें गए थे बट स्टार लाइनर बोइंग स्टार लाइनर तो जैसे कि आपको पता है कि उस वो सेफ नहीं था वापस उसको उसका लैंडिंग करना क्योंकि उसकी प्रॉब्लम्स uh, हो रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इसीलिए वो वो तो वापस आया बट उसमें हमारे दोनों एस्टोरेंट्स वापस नहीं आए वेल द स्टार लाइनर्स वॉज डिक्लेयर अनफिट फॉर ह्यूमन ट्रैवल बाय नासा ने रिटर्न सेफली टू अर्थ दू नॉट ड्यू आर स्टक इन स्पेस तो नासा ने फाइनली स्टार लाइनर को अनफिट बताया है और नासा अब इस न, उनको वापस लाने के लिए ये क्रू नाइन लॉन्च कर रहा है ठीक है नेक्स्ट इज सेंटर डिक्लेयर्स मराठी पली प्राकृत आसामीज एंड बंगाली एज बंगाली एज क्लासिकल लैंग्वेजेस यूनाइटेड कैबिनेट ऑफिशियल Lee granted classical language status to Marathi Pali Prakrit Asami and Bengali recognizing their historical and cultural significance the linguistic experts committee constituted by the ministry of culture under sahitya academy in, in november 2004 revived and revised the criteria leading to the declaration of sanskrit as a classical language in 2005 since then telugu 2008 Canada, 2000, kannada 2008 malayalam 2013 odia 2014 have also received classical language status तो पाँच लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिल गया है ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है जो कि लिंग्विस्ट एक्सपर्ट्स कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है उसमें भी साहित्य अकेदमी के अंदर आती है उन्होंने किया है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट लॉन्चेस प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम एम्स टू प्रोवाइड वन पॉइंट टू फाइव लैक इंटर्नशिप्स इन फाइव एफ वाई ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ऑन थर्ड अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर द गवर्नमेंट लॉन्च द पायलट फेज ऑफ द एम्बीशियस Prime Minister's Internship Scheme, which aims to provide 1.25 lakh internship opportunities during the fiscal year 24-25. फाइव तो कल यानी कि गवर्नमेंट ने पायलट फेस लॉन्च किया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम होगी जो 1.2 लाख इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रही है इन अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है द स्कीम विल इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ द टॉप 500 कंपनीज इन इंडिया First announced in the budget 24-25 the scheme envisions creating 1 crore internship opportunities for young people in top companies over the next 5 years the initiative will be managed through an online portal developed by the ministry of corporate affairs that is accessible at www.pminternship.mca.gov.in the pilot project has already generated significant interest with the over 1000 internship offers from leading companies like mahindra and mahindra maxlife and alembic alembic फार्मा the companies participating in the scheme were selected based on their average corporate social responsibility expenditure over the last लास्ट years and their involvement in the scheme is voluntary. वॉल्ट्री तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम है जो 1.25 पॉइंट टू फाइव लाख इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर रही है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव के लिए उसका पायलट फेस लॉन्च किया है कल इन्होंने और इसमें ऑलरेडी फाइव कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं आप इसको मैं इसको मैनेज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो वो ऑनलाइन पोर्टल है ये यहाँ पर आप गिवेन है आप इससे उसको एक्सेस कर सकते हैं बाकी पायलट uh, फेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा मैक्स लाइफ और एलम एलम्पिक फार्मा जैसी कंपनीज़ आ चुकी हैं कंपनीज़ को किस क्राइटेरिया पे लिया जा रहा है? Uh, है वो है द कंपनीज पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम फॉर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द एवरेज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR expenditure over the last three years and the involvement in the scheme is voluntary the internship which will last for 12 months will focus on real world job environments and at, with at least half of the internship period dedicated to hands-on work experience. Interns will receive a monthly stipend of 5,000 with 4500 provided by the government and 500 contributed by the company for its CSR funds. A one-time grant of 6000 for incidental expenses will be also be provided by MCA when interns join their workspace. 5000 kasme monthly stipend milnewale. Interns will be insured under government schemes like PMG1 Jyoti B. Yojana and PMM Suraksha B. Yojana uh, with the government covering the premium cost. Partner companies may offer additional accidental insurance coverage if desired. Youth between the ages 21 and 24 are eligible to apply, provided they are Indian nationals not employed full time or engaged in full time education. तो जो यंग हैं यंगस्टर्स हैं या टी हैं हमारे यूथ हैं ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फोर के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें उनके सिर्फ कुछ ही डिमांड्स हैं कि एक इंडियन नेशनल होना चाहिए नॉट ना ही फुल टाइम एम्प्लॉयड होना चाहिए ना ही फुल टाइम एजुकेशन दे रहे हैं द स्कीम इज़ ओपन टू कैंडिडेट्स हु हैव कंप्यूटर द हाई स्कूल और होल डिग्री सच एस बी ए बस सी बी कॉम बी सी ए बी बी ए बी फार्मा एंड वेरियस डिप्लोमास हाव एवर ग्रेजुएट्स फ्राम टॉप इंस्टीट्यूशन लाइक आई आई टी आई एम्स एंड दोज होल्डिंग हायर क्वालिफिकेशन लाइक एम बी एस सी एस सी एम एंड एम बी बस आर इन एलिजिबल यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन भी आई आई टी आई एम से की है तो आप इतनी ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन रख रहे हैं तो आप इन एलिजिबल हैं इसके लिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज इज वर्ल्ड स्पेस वीक इज बिंग ऑब्जर्व फ्रॉम फोर्थ टू टेंथ अक्टूबर थीम इज स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज ऑन फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी सेवन द लॉन्च इन टू आउटर स्पेस ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन मेड अर्थ सेटेलाइट स्प्यूटनिक ओपन द वे फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज इज द थीम और वीक सेलिब्रेट हो रहा है फोर्थ टू टेंथ अक्टूबर ये आपको याद रखना है सो so आज के लिए इतना ही दैट वॉज इट फॉर द वीडियो थैंक यू